गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिविज़न एक्सरसाइज क्लास 4. बच्चों आज मैं आप लोगों को रिविज़न एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का सॉरी आज मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का रिविज़न करवाऊँगी. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं चैप्टर फर्स्ट के. फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स. आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पूरा करवा दिया गया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं. क्वेश्चन ए में है 9648. यहाँ पे पूछ रहा है कि 1000 में क्या होगा, 100 में कौन सा क्या प्लेस है, डैस टेंस क्या है, वंस क्या है. आपको जो यहाँ दिख रहा है वो आपको डालना है. उसके बाद है क्वेश्चन बी, सक्सेसर ऑफ 800 माइनस 60 इज इक्वल इज डैस. सक्सेसर पूछ रहा है 800 माइनस 60. 800 में 60 को आपको माइनस करके उसके बाद सक्सेसर इसका बताना है. उसके बाद है द स्मॉलेस्ट ऑफ 1000 माइनस 99 इज. इसका स्मॉलेस्ट पूछ रहा है 100 लेस देन 9995 इज़. पूछ रहा है 9995 में लेस 100 कितना लेस देन होगा. उसके बाद है क्वेश्चन ई है 6000 इज इक्वल टू 6 डैश. यहाँ पे पूछा है 6000 इज इक्वल टू 6 में कितने 100 होंगे यहाँ पे वो बताना है आपको. क्वेश्चन टू है कंपेयर द नंबर. यहाँ पे कंपेयरिंग करना है आपको, लेस देन है कि इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है. क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ देखकर इसको बनाना है. यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में है 8736 बॉक्स है 962. इसमें 8736 ग्रेटर देन है कि लेस देन है या फिर इक्वल टू है. इसी तरह आपको डी क्वेश्चन है 6300 बॉक्स है 6000 प्लस 300. यहाँ पे पूछ रहा है कि लेस देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है. आपको यहाँ देख कर बताना है और इसको बनाना है. क्वेश्चन थ्री में है राइट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ पे मिसिंग नंबर है पैटर्न से बनाना है. यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में है 1001, 1002, 1003... यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन है सी 8308. इसमें आपको देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. नाउ क्वेश्चन फोर है राइट द फिगर नेम. यहाँ पे आपको फिगर नेम बताना है. यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है, आपको नंबर में लिखना है. 9012 इज इक्वल टू डैश. यहाँ पे 9012 क्या होगा फिगर में इसको आपको बताना है. वैसे ही 9,75,975 को आपको नंबर में लिखना है. ना क्वेश्चन फाइव है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ क्वेश्चन ए 3 in 4632. इसमें 3 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है. क्वेश्चन बी में 6 का प्लेस वैल्यू बताना है. क्वेश्चन सी में 8 का प्लेस वैल्यू बताना है. नाउ क्वेश्चन सिक्स है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म. इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बताना है 6272 का. क्वेश्चन सी है 8032 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है. उसके बाद क्वेश्चन सेवन में है राइट द शॉर्ट फॉर्म. इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर एट में है राइट द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर आपको बनाना है. मैंने सब कुछ आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है. ये कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है. डैट्स ऑल एवरीबॉडी.